सेशन 3 को हम और आगे सीख रहे हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के हाथों में अपने आप को देंगे। पिता परमेश्वर, हम आपके सामने आते हैं। पिता, हमारे समझ को खोल। हम ये बात की तसल्ली पा चुके हैं कि आप अद्भुत परमेश्वर हो। खुदा परमेश्वर, हमने सिर्फ पवित्र बाइबल में पढ़ा हुआ था, लेकिन जब हम अभ्यास करते हैं आपके वचन, पिता, ऐसे टीचर्स के द्वारा जिन्होंने अपना समय देकर, एक लंबा डेडिकेशन देकर, अपने आप को वो सारी कठिन बातें जो साधारण इंसान नहीं सीख सकता है, वो सब कुछ उन्होंने सीख कर हमारे तक वो एक रेडीमेड लेसन बनाकर लाया और हम उसे सीख पा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं डॉक्टर चक मिसलर और उनके संगति में और भी जो लोग हैं, और पिता, उन्होंने जितने लोगों की सहायता से ये सारे एपिसोड्स बनाए हैं, सेशंस बनाए हैं, उन सब के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। उनके टीचिंग का हम आदर करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि आत्मिक उन्नति के लिए ये जरूरत चीजें, ये जरूरत बातें आपने हमारे तक पहुंचाई है। थैंक यू अपा फादर गॉड। जब तक आप हमारी समझ को नहीं खोलते हैं, हम ऐसी बातों को नहीं सीख पाते हैं। इसके लिए हमारी मदद कर रहे हो, आपको धन्यवाद करते हैं। आगे का सारा समय आपके हाथों में देते हैं और परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि ये सेशन परमेश्वर हमारे आत्मिक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ बढ़ने के लिए इस्तेमाल हो जाए। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। अब हम जो देख रहे हैं यहाँ पर पानी के बारे में, 6 वचन, उत्पत्ति के पहले अध्याय का 6 वचन, फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। इस अंतर ये शब्द के बारे में अब हम देखेंगे। इब्रानी के अंदर जो फॉर्मामेंट है उसको राकिया कहा गया है, यानी अंतर को राकिया कहा है और वाटर्स को मायम कहा है। हम मायम के बारे में पहले सीखेंगे। अब अगर आप थंबनेल में देख रहे होंगे तो आपको दिखाई देगा कि वहां पे फॉर्मामेंट, वाटर, वाटर्स, इन 3 चीजों को ब्लॉक किया है, ठीक है, मतलब उसको हाईलाइट किया है। यहाँ पे एक्चुअली देखा क्या जा रहा है, ये फर्मामेंट इंग्लिश में बोला है, हिंदी में इसको अंतर बोला है, ठीक है, और जल को दुभागने वाला, जल को दुभागने वाला अंतर परमेश्वर ने बनाया था। ओके, अगर इंग्लिश में साइंटिस्ट लोग जल ये शब्द को, इंग्लिश में वाटर्स कहा गया है, साइंटिस्ट लोग इसे वाटर्स को H2O भी कहते हैं, यानी 2 एटम्स हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का। ओके, तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि जो साइंटिस्ट लोग जल को H2O कहते हैं, उसी जल के बारे में यहाँ पर पवित्र बाइबल में लिखा गया है, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, तो ये पहली बात है कि जो विज्ञान लोग हैं, उनकी खोज में पानी के अंदर मॉलिक्यूल पाया गया था, और वो मॉलिक्यूल जो है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से बनता है। उसको उन्होंने केमिकल एटम्स, केमिकल के जो कण होते हैं, उस कण के आधार से वाटर्स के अंदर के क्या क्या कण है उसको अलग करके उन्होंने वाटर्स को ये फॉर्म्यूला से पहचानना शुरू किया था, H2O। लेकिन ये H2O ही यहाँ परमेश्वर बोल रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। मायम अगर देखा जाएगा तो इब्रानी में वाटर्स, जल, ये शब्द को मायम कहा। मायम एक प्रकार से इंग्लिश में देखा जाएगा तो जल एक वचन बनता है, लेकिन यहाँ इंग्लिश में एस लगाने की वजह से वो अनेक वचन बन जाता है। ओके, तो परमेश्वर ने पानी को, अगर हम बोलेंगे
जल, तो हम उसको अनेक वचन रहे या एक वचन रहे, हम उसको जल यही नाम से बोलते हैं, ओके। और इंग्लिश में इसको एस डालने की वजह से वो हमको समझ में आता है कि वो अनेक वचन की भाषा में बता रहा है, ओके। तो ये एक ओरिजिनल शब्द है, अनेक वचन के भाषा में इसे लिखा जाता है, और इसका मतलब एक वचन भी हो सकता है और अनेक वचन भी हो सकता है, ठीक है। जैसा हिंदी में या कोई और भाषा में, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हिंदी की बताती हूँ कि जल अगर ये शब्द को बोला जाएगा तो ये आप अनेक वचन बोल रहे हो तो भी जल ही बोलेंगे, और अगर एक वचन बोल रहे तो भी आप एक वचन में भी जल ही बोलेंगे, ओके। तो ये दो नेचर के साथ बोला जाता है, एक ही शब्द है लेकिन दो नेचर उसके अंदर छुपे हुए हैं, अनेक वचन भी है और एक वचन भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जल को हम समझ पाते हैं कि इंग्लिश में इसको एस कहा है, ओके, वाटर्स कहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से वाटर्स और वाटर एक वचन और अनेक वचन ये दोनों एक ही शब्द है, समझ में आया। अब इसके बाद अगर इसका और मतलब निकाला जाए तो इसका मतलब खतरा, हिंसा, ओके, इस प्रकार का इसका शब्द निकलता है, खतरा, हिंसा, ओके। और एक इसका मतलब बनता है ट्रांजिटरी थिंग्स। ट्रांजिटरी थिंग्स अगर देखा जाएगा तो एक पल भर के लिए जो रहता है उन चीजों को भी वाटर्स कहा जाता है, ओके। जो एक कुछ कारण से वो अपना अस्तित्व खो जाएगा, ओके, एक समय के बाद वो अपना अस्तित्व खो सकता है, ओके, उस चीज को भी वाटर्स, मायम, ओके, मायम कहा गया है। तो मायम का अर्थ हमने निकाला, मायम का अर्थ जल, एक वचन या अनेक वचन दोनों भी हो सकता है, एक ही नाम से पुकारा जाता है, वाटर्स, ओके। और दूसरा जो है मायम का अर्थ खतरा, हिंसा, या एक अल्पकालिक यानी थोड़े समय के लिए रहने वाला, ऐसा भी मायम को कहा जा सकता है। और ये मायम हम किसके बारे में सीख रहे हैं, जल के बारे में सीख रहे हैं, अंतर के बारे में नहीं, हम मायम जल के बारे में सीख रहे हैं। अब हम देखेंगे भजन संहिता 104 में जल के बारे में यही मायम इस शब्द को हम प्राप्त करते हैं। भजन संहिता 104 जल के मायम इस शब्द के बारे में 104 में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक विशेष प्रकार से हमको देखना है कि परमेश्वर ने जल की सृष्टि की है। ये अध्याय में हम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या देखते हैं कि जल की सृष्टि जो है वो परमेश्वर ने की है। देखिए 104 के 3 वचन में क्या लिखा है, जो अपनी अटारियों की कड़िया जल में धरता है और मेघों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है। और एक बार 6 वचन में देखिए, तूने उसको गहरे सागर से ढांप दिया है, जैसे वस्त्र से जल पहाड़ों के ऊपर ठहर गया। 7 वचन, तेरी घुड़की से वह भाग गया, तेरे गरजने का शब्द सुनते ही वह उतावली करके बह गया। ये सारी चीजें जल के बारे में लिखी है और ये परमेश्वर की सृष्टि है, जल परमेश्वर की सृष्टि है। तो जल को परमेश्वर की सृष्टि के अनुसार हम पढ़ रहे हैं। मायम ये जो शब्द है ये जल के लिए इस्तेमाल किया, इब्रानी शब्द मायम, और ये जल परमेश्वर की सृष्टि है, भजन संहिता 104 के अनुसार हमको समझ में आता है। अब आप देख सकते हैं 3 वचन में आप मेघों के बारे में देखते हैं, जल मेघों के अंदर रखा गया। 6 वचन में देखते हैं पृथ्वी के ऊपर रखा गया। 7 से 9 वचन में देखते हैं कि उसने जल को सीमित करके रखा है और उसका समय रखा है कि किस समय वो बाहर निकलेगा। 13 वचन में आप देखते हैं कि
उसके घुड़के से उसके मतलब आवाज से बह निकलता है जल। ओके, और 11 से 18 वचन में देखेंगे कि पृथ्वी को आनंदित करता है जल से, सब कुछ हरा भरा हो जाता है, फलवंत हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार से जल का वर्णन दाऊद ने, ये भजनकार ने इस भजन संहिता के 104 में लिखा हुआ है। तो जल, ये मायम जो है, ये परमेश्वर की सृष्टि है। अब हम वचन को ही पढ़ेंगे। भजन संहिता के 104 अध्याय का 3 वचन देखिए, हम पढ़ेंगे उसे। 3 वचन, जो अपनी अटारियों की कड़ियां जल में धरता है और मेघों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है। तो यहाँ पे जल के बारे में, यानी मायम के बारे में बताया है कि मेघों को अपना रथ बनाता हुआ और पवन के पंखों पर चलता है, यानी परमेश्वर जल के बारे में बताया है, जो अपनी अटारियों की कड़ियां जल में धरता है, अपनी अटारियों की कड़ियां जल में धरता है। ये मायम के बारे में दिया है, ठीक है। वो मेघों के ऊपर जब चलने के लिए निकलता है, तब उस समय वो अपने रथ, उस मेघ यानी डेफिनेटली, अब ये अंतर के बारे में बताया जाने वाला है। तो जल और अंतर नजदीक ही है, ये दोनों इकट्ठे ही है, और हम अभी सिर्फ जल के बारे में देख रहे हैं। ओके, अंतर के बारे में नहीं देख रहे, हम जल के बारे में देख रहे हैं। और जल कैसा है, परमेश्वर बता रहा है, मायम, जो अपनी अटारियों की कड़िया जल में धरता है। 6 वचन देखेंगे, तूने उसको गहरे सागर से ढांप दिया है, जैसे वस्त्र से जल पहाड़ों के ऊपर ठहर गया है। यहाँ फिर से मायम को हमने पढ़ा। 7 से 9 तक देखेंगे कि जल को परमेश्वर ने एक लिमिट में रखा है। तेरी घुड़की से वह भाग गया, तेरे गरजने का शब्द सुनते ही वह उतावली करके बह गया, वह पहाड़ों पर चढ़ गया और तराइयों के मार्ग से उस स्थान में उतर गया जिसे तूने उसके लिए तैयार किया था। यानी जल को परमेश्वर मार्गदर्शन करता है किस तरफ उसने मुड़ना है। और 9 वचन देखिए, तूने एक सीमा ठहराई जिसको वह नहीं लांघ सकता है और न लौट कर स्थल को ढांप सकता है। यानी परमेश्वर का सृष्टि है जल, मायम, और परमेश्वर उसको नियंत्रित भी करता है। ओके, उसके नियंत्रण के बाहर वो नहीं जा सकता है। 10 वचन देखिए, तू नालों में सोतों को बहाता है, वे पहाड़ों के बीच से बहते हैं। और एक बार 11 से 18 वचन देखेंगे अभी, कि इस तरह से परमेश्वर की सृष्टि, उस जल, उस मायम को परमेश्वर किस प्रकार से काम करा रहा है। ओके, उनसे मैदान के सब जीव जंतु जल पीते हैं, जंगली गधे भी अपनी प्यास बुझा लेते हैं, उनके पास आकाश के पक्षी बसेरा करते और डालियों के बीच में से बोलते हैं। तू अपनी अटारियों में से पहाड़ों को सींचता है, तेरे कामों के फल से पृथ्वी तृप्त होती रहती है। तो पशुओं के लिए घास और मनुष्यों के लिए काम के लिए अन्न आदि उपजाता है, और इस रीति भूमि से वह भोजन वस्तुएं उत्पन्न करता है और दाख मधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है और तेल जिससे उसका मुख चमकता है और अन्न जिससे वह संभल जाता है। यहोवा के वृक्ष तृप्त रहते हैं, अर्थात लबानोन के देवदार जो उसी के लगाए हुए हैं, उनमें चिड़िया अपने घोंसले बनाती है। लग लग का बसेरा सनोवर के वृक्षों में होता है, ऊंचे पहाड़ जंगली बकरों के लिए है और चट्टाने शपानों के शरण स्थान है। इस तरह से हम देख पाते हैं कि जल पृथ्वी के ऊपर काम करने के लिए भेजा जाता है।
अगर हम इस बात को समझ गए कि जल के कारण पृथ्वी हर्षित होती है, उसके व्यवहार काम करने लगते हैं, खेती बनने लगती है, पशु प्राणी जल से तृप्त होने लगते हैं, जीव जंतु प्राणी हर एक को जल की जरूरत है, यानी मायम इसकी जरूरत है, और परमेश्वर ने उसका ठिकाना बताया, जल को कहाँ रखा परमेश्वर ने, तीसरा वचन बताता है जो अपनी अटारियों की कड़ियां जल में भरता है। ओके, तो ये अटारियों के कनेक्शन में मायम जल को रखा गया है। तो एक सोचने के लिए हमको समय आ जाता है कि परमेश्वर ने जब पहला वचन बनाया वहां दिन और रात बोला है। ओके, दिन और रात बोला है, सांझ और भोर बोला है, लेकिन वहां पर, वहां से लेकर मनुष्य की उत्पत्ति करने तक, ओके, ये बीज बोए गए थे जमीन के अंदर, फल पेड़ पौधे ये सारी चीजें जब हो रही थी वहां पे, जब तक सूरज और चांद रोशनी नहीं देता है तब तक ये सारी चीजें हरी भरी नहीं हो सकती है। ओके, तो पहले वचन के अंदर हरी भरी नहीं हो सकती थी, दूसरे वचन के अंदर भी हरी भरी नहीं है, मतलब तीसरा वचन जो उजियाला है, चौथा वचन जो अंतर बनाया जल के द्वारा, वो सब कुछ जल दुभाग के अंतर बनाया, उसके बाद का वेजिटेशंस परमेश्वर ने बनाया, फिर प्राणी पशुओं को बनाया, तो यहाँ पे सूरज का रोशनी का जरूरत है। ओके, वेजिटेशन के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए सूरज की किरणों का जरूरत है, भाप का जरूरत है, तभी जाकर वो जमीन के अंदर का फल फूल पौधे बढ़ने लगेगा। लेकिन यहाँ पर ये सारे वचनों के अंदर हम देखते हैं कि सूरज बनाया हुआ नहीं था, लेकिन पेड़ पौधे पशु सब कुछ रेडी था। और ये 104 भजन संहिता क्या बोलता है, जल उनको तृप्त करता है, उनको बढ़ाता है, यानी कि सूरज और चांद, सूरज की रोशनी जो पेड़ पौधों को खाना बनाने के लिए सहायता करती है, वो रोशनी ना रहते हुए भी ये समय था जहां पर सूरज और उसकी रोशनी पृथ्वी को नहीं दी गई थी, तब भी ये जल तैयार था, ये उनको संभाल रहा था, तो बिना सूरज के रोशनी के भी इनको वो संभाल रहा था। ओके, तो यहाँ पे एक समझ आता है हमको कि सूरज बनने के बाद मनुष्य को बनाया गया और मनुष्य फिर खेती करने लगा, तब तक जल ही पृथ्वी के ऊपर सारे पेड़ पौधों को सब कुछ को संभाल रहा था। ओके, और जल भेजा जाता है तभी जाके पृथ्वी हरी भरी हो जाती है। तो मायम का महत्व हम समझ सकते हैं कि मायम जीवन देने वाला वस्तु है। ओके, परमेश्वर ने जीवन का स्रोत मायम में रखा हुआ है। ओके, सूरज का रोशनी अलग है, वो पेड़ पौधों को जीवित रखने के लिए जो खाना बनाना पड़ता है वो खाना पेड़ पौधे सूरज की रोशनी से बनाते हैं। ओके, जिस तरफ सूरज की रोशनी है वहां पर पेड़ पौधे अपने आप को झुकाकर रखते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं, वो रिएक्शन उनके अंदर होने देते हैं जो उनकी बढ़ने की अवस्था को ताकत दे सकता है। ठीक है, तो इसकी वजह से हम देखते हैं पेड़ पौधों को सूरज की रोशनी की तरफ, हम उसको रोशनी मिलने के अनुसार उसको पकड़ के देते हैं ताकि हम देखते हैं कि उसके बढ़ने के तरीके बढ़ते जाए, ठीक से रहे, तंदुरुस्त रहे। ओके, लेकिन अगर आप उत्पत्ति के पहले अध्याय के 3 वचन से, जब पेड़ पौधे बना दिए गए थे, मनुष्य अभी तक बनाया हुआ नहीं था, तब तक देख सकते हैं कि पानी उनको संभाल रहा था, जल उनको संभाल रहा था। तो जल का महत्व हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने जल को एक बहुत बड़ा महत्व दिया, जिस प्रकार से उजियाले को अंधेरे से काट के अलग किया, वैसा परमेश्वर ने दूसरा एक महत्व का भाग यहाँ पर बताया। यहाँ पर उसने कोई प्रकार का प्राणी नहीं बनाया, पशु नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, उसने यहाँ पर क्या किया, जो जल है उसको टुकड़ों में तोड़कर आधा भाग ऊपर भेज दिया और आधा भाग नीचे रखा, और बीच में उसने अंतर लगा दिया।
ये अंतर फर्मामेंट है, राकिया है, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे, लेकिन जल के बारे में हम देख रहे हैं कि पृथ्वी को हर्षित करने वाला, मदन करने वाला, आनंदमय बनाने वाला महत्व का भाग जो है वो जल ही करता है। हालेलुया, ये बात को हमने अभी जल के बारे में, मायम के बारे में, परमेश्वर की सृष्टि है इसके बारे में हमने सीखा। अब हम यहाँ पर महत्व समझ सकते हैं मायम का, जल का महत्व समझ सकते हैं, तो हम एक प्रकार से यीशु मसीह को याद कर सकते हैं कि यीशु मसीह को जीवित पानी का बहता हुआ पानी, जीवित पानी, जीवन देने वाला पानी, ऐसा संबोधित किया गया है, ऐसा बोला गया है। यीशु मसीह के पास जीवन देने वाला पानी है। अगर हम भजन संहिता के 104 के अंदर से जल का क्या क्या काम परमेश्वर कर लेता है उसको देखने से हम इसको समझ सकते हैं कि यीशु मसीह को जीवन देने वाला पानी क्यों कहा परमेश्वर ने। तो क्या ये जीवन देने वाला पानी यीशु मसीह को कहा, क्या वो H2O जो विज्ञान लोग बोलते हैं H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे कर दिए गए तो वो पानी बन गया, वो वाला पानी के बारे में परमेश्वर बोल रहा है? नहीं, वो नहीं, ताजगी के बारे में। देखा आपने भजन संहिता के 104 के अंदर किस तरह की ताजगी परमेश्वर जल के कारण पृथ्वी के ऊपर फैलाता है। वो ताजगी देने वाला स्रोत जो था वो जल ही उसका स्रोत था। जल अगर आया तो पृथ्वी का सब कुछ हरा भरा ताजगी से भर जाता है। तो यीशु मसीह के वजह से पृथ्वी हर्षित हो जाती है, इसके लिए उसको जीवन देने वाला पानी कहा गया, ये हम समझ सकते हैं। उसके बाद और एक जगह में आप देखते हैं कि परमेश्वर के वचन को पानी कहा गया है जो हमें धोता है। पानी की तरह हमें धोता है परमेश्वर का वचन, इस प्रकार से हमको पवित्र बाइबल में पढ़ने को मिलता है। तो क्या ये वो H2O है जो विज्ञान के लोग बोलते हैं, पानी की मात्रा जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एकत्रित होकर बनाया गया एक पानी, ये जल, ये एक प्रकार का चीज है? नहीं, ये एक संबोधित किया गया है कि वचन पानी की तरह हमें धोता है। यीशु मसीह जीवित पानी है जो हरा भरा कर देता है जीवन को। ठीक है, तो इस प्रकार से पानी को, जल को, मायम को संबोधित के अनुसार भी इस्तेमाल करके पवित्र बाइबल में लिखा गया है, क्योंकि हमने भजन संहिता के 104 में देखा किस प्रकार से जल पृथ्वी को हरियाली से भर देता है, आनंदित कर देता है। इसकी वजह से हम पवित्र बाइबल के अंदर जब भी पानी के बारे में, मायम के बारे में, जल के बारे में पढ़ते हैं तो हमने उसको दोनों तरफ से समझना है। ये जल जो है ये परमेश्वर की सृष्टि है और वो जल ही के अनुसार भी एक चीज, वस्तु के अनुसार भी है, और उसके उसके कारण जो काम होते हैं वो काम होने के लिए हम संबोधित करके बोलने के वक्त में जल का ये शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हरा भरा हो गया, अगर ऐसा बोलना है, ताजगी से भर गया, तो वहां पे कब हो सकता है? जल आने की वजह से हो सकता है। तो इसकी वजह से हम ये प्रकार के जो अवस्थाएं हमको अगर बोलना है कि यीशु मसीह आने की वजह से हरा भरा हो गया, तो हम यीशु मसीह जीवित पानी है, जीवन का पानी है, ये समझ सकते हैं कि उसके आने से हरा भरा हो जाता है। परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है, तो हम समझ सकते हैं कि पानी की तरह धोता है, मतलब परमेश्वर का वचन हमारे हर एक गुनाहों को पानी से, जैसे हम अपने आप को पानी से नहलाते हैं, उस तरह से परमेश्वर का वचन हमें नहला देता है। तो ये सारी चीजें हमको समझ में आना चाहिए कि दोनों तरफ से परमेश्वर का वचन हमें पवित्र बाइबल में मायम के बारे में बताता है। एक तो संबोधित करके बोला गया होता है असर के अनुसार, और दूसरा सच में जल, जल ही के रूप में भी लिखा गया रहता है। अब हम देखेंगे प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा ये एक शब्द है, और अगर जल के साथ देखा जाएगा तो प्लाज्मा जल को
तापमान देने के बाद जो अवस्था में बदल जाता है, उस अवस्था के बदलाव का जो समय रहता है उसमें वो प्लाज्मा का अवस्था भी मिलता है। जैसा 0 डिग्री में बर्फ का अवस्था रहता है जल, उसके ऊपर थोड़ा सा 100 डिग्री में हम देखेंगे तो जल पानी तरल अवस्था में रहता है। ओके, उसके ऊपर अगर हम थोड़ा उसको गर्मी देंगे, मतलब हीट एनर्जी देंगे, तो गर्म करेंगे पानी को, तो उसके ऊपर जाकर वो भाप में बदल जाता है, भाप अवस्था में रहता है। अब उसको और थोड़ा उबाले, मतलब उसको और थोड़ा गर्म करेंगे, तो वो प्लाज्मा के अवस्था में चला जाता है। तो वो चौथे अवस्था का जो पानी का अवस्था है उसके अंदर प्लाज्मा ये नाम दिया जाता है। ओके, पहले अवस्था में हम उसको बर्फीला बोलते हैं, दूसरे अवस्था में वो तरल पदार्थ जैसे बन जाता है, और तीसरे अवस्था में वो भाप अवस्था में बन जाता है, लेकिन चौथे अवस्था में वो प्लाज्मा अवस्था में बदल जाता है। तो प्लाज्मा बोलेंगे तो ये एक अवस्था है जो पानी के ही मात्रा बदल जाती है, जो सॉलिड है, ओके, सख्त है, उसमें से वो बदल के तरल में बदल जाती है, तरल से बदल कर भाप में बदल जाता है, भाप से बदल कर वो प्लाज्मा में बदल जाता है। ओके, तो पानी का ही आपको प्लाज्मा देखने को मिलता है, पानी का ही आपको बर्फ देखने को मिलता है। अवस्था क्यों बदल गई? उसको दिया गया हीट एनर्जी के वजह से, थर्मल एनर्जी की वजह से, उसके ऊपर तापमान देने की वजह से उसकी अवस्थाओं का हम बदलाव को देख पाते हैं। तो जो भाप के बाद आने वाला अवस्था है उसको प्लाज्मा अवस्था कहा जाता है, लेकिन उसका जड़ कौन है? जल ही उसका जड़ है। प्लाज्मा जो है वो आयोन्स के द्वारा बनाया जाता है। आयोन्स मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ओके, कण होते हैं, तो उनके द्वारा प्लाज्मा बनाया जाता है। ये कण जो है वो न्यूक्लियस के साथ में जुड़े हुए रहते हैं, ओके, यानी आपको सृष्टि करने के वक्त को समझ में आ गया होगा अभी कि सृष्टि कणों के द्वारा बनाई गई है। एक छोटे छोटे कण इकट्ठे होते हैं और फिर बाद में वो आपको एक चीज दिखाई देता है, ओके, तो ये तरह से प्लाज्मा भी आयोन्स ही से बना होता है, कणों से ही बनाया होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है और उसके इर्द गिर्द में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और वो एटम्स के अनुसार, यानी कण को अणु भी कहा जाता है, ओके, उस तरह से वो एकत्रित करके सॉलिड बन सकता है, लिक्विड बन सकता है, और स्टीम बन सकता है, गैसियस बन सकता है, वेपर या गैसियस स्टेट बन सकता है, और उसके ऊपर वो प्लाज्मा बन सकता है। आप थंबनेल में देख रहे हैं ना,
एक छोटा सा जो ड्रॉप है वो हाइड्रोजन है, और बड़ा वाला जो ड्रॉप है वो ऑक्सीजन है, यानी कि एक छोटा पीला रंग दिख रहा होगा वो हाइड्रोजन है, और जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो ऑक्सीजन है। ठीक है, अब ये रचना देखिए, आपको थंबनेल में देखने को मिलेगा कि ऑक्सीजन बहुत मात्रा में पहले उपस्थित रहती है। उस ऑक्सीजन के कारण छोटी छोटी मात्रा में हाइड्रोजन जहां कहीं पर भी आजादी से घूम रहे होंगे वो अट्रैक्ट हो जाते हैं ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, इस वजह से उनके बीच में अगर देखा जाएगा ना तो बहुत सारा अंतर है। ठीक है, अगर ये अंतर एक दूसरे से ज्वाइंट होने लगते हैं तो हमको एक आकार मालूम पड़ता है, और उस आकार के हिसाब से फिर हम प्लाज्मा जो है, पहले प्लाज्मा का स्थिति कैसे था, सब सब बिखरा 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 अलग अलग था, लेकिन उसके पास ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन आ गया है, लेकिन वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हुए है। ओके, अंतर में रखे हुए हैं, ये प्लाज्मा का अवस्था है। उसके बाद आप देखेंगे तो अभी आपने जो वीडियो में देखा, क्या देखा उसमें, कि पार्टिकल्स किस प्रकार से प्लाज्मा में बिखरे हुए रहते हैं, गैसियस में वो कुछ कुछ कण इकट्ठे हो जाते हैं, और लिक्विड में वो और ज्यादा करीब आ जाते हैं, लेकिन सॉलिड में वो सारे मिल जाते हैं, तो एक आकार फॉर्म होता है, उसको हम लैटाइस इंग्लिश में बोलते हैं या फिर क्रिस्टल बोलते हैं। जैसे हम क्रिस्टल किसको बोलते हैं, डायमंड को जब देखते हैं तो हम उसके अंदर क्रिस्टल बोलते हैं। शुगर कभी देखा रहेगा आपने, जो हम शक्कर जिसे कहते हैं, ओके, तो उसके कण को देखेंगे तो उसको हम क्रिस्टल कहते हैं। ये तरीके का बर्फ बनता है, बर्फ क्रिस्टल बन जाता है। वो क्यों ऐसा बना, क्योंकि उसके अंदर के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग जगह में जहां जहां इकट्ठे बैठे हुए थे वो और करीब आ गए, और पूरा बिल्कुल थोड़ा भी जगह नहीं छोड़ते हैं, तब वो एक आकार क्रिस्टल का बन जाता है। ओके, लैटाइस का बन जाता है। ठीक है, तो प्लाज्मा में एक अवस्था को देखा गया था, आपने देखा प्लाज्मा में फोटॉन्स बनते हैं, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जब नजदीक आ जाते हैं वो एक प्रकार का वह घर्षण हो जाता है, और वो जगह में लाइट स्पार्क निकलता है। ओके, एक छोटी सी बत्ती जल गई जैसे, एक छोटा सा दिया जैसा उसके अंदर एक अपियरेंस आता है। ओके, इसके बारे में खोज किया गया, तो वहां पे ये बात को प्रूफ किया गया कि प्लाज्मा के अंदर ये जो लाइट आता है इसका कोई ठिकाना नहीं है। जैसे आप इलेक्ट्रॉन को और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आप एक जगह में प्राप्त कर सकते हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जगह बन जाती है, उसका जगह आप बता सकते हैं, हाइड्रोजन कहाँ है, ऑक्सीजन कहाँ है, तो प्लाज्मा का ये वक्त आप बता सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो लाइट प्रोड्यूस होता है उसके कारण हम कलर्स को समझ पाते हैं। ओके, उसके कारण हम रेड ब्लू ग्रीन ऐसे व्हाइट ऐसे कलर्स को हम पहचानते हैं, क्योंकि उसके अंदर ये स्पार्क आता है, एक घर्षण होता है वो मॉलिक्यूल्स के अंदर छोटे छोटे कणों का, उसमें से एक लाइट निकलता है, उसको फोटॉन्स कहा जाता है। ये फोटॉन को जगह नहीं है। ओके, ये ना पॉजिटिव ना नेगेटिव ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके बारे में फिर ये इसको हम किस प्रकार से बयान करें ये अभी तक हम नहीं कर पाते हैं। क्वांटम फिजिक्स जो है ये ऐसे प्रकार के बहुत सारे सृष्टि के अंदर की चीजें वो अभी भी स्टडी कर रहा है। हर बार उनके स्टडी में कुछ ना कुछ नया ही प्राप्त होता रहता है। ओके, तो अभी का मॉडर्न फिजिक्स में क्वांटम थियोरी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ओके, एडवांस्ड में क्वांटम फिजिक्स को ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो फोटॉन्स के बारे में आपको समझ में आ गया कि हम प्लाज्मा के अंदर ये प्रकार का अवस्था को देखते हैं कि जिसके अंदर फोटॉन्स एक ऐसी अवस्था है जो लाइट दिखाई देता है, लेकिन उसका उसका एक
विशेष जगह आप नहीं बता सकते कि वो प्लाज्मा का लेवल में है या उसके ऊपर और कोई लेवल में है। ओके, सॉलिड से लिक्विड लेवल में जाते हैं तब आपको लिक्विड लेवल का जगह मालूम पड़ता है, इतनी डिग्री में ये लिक्विड लेवल आ गया। उसके बाद गैसियस लेवल या वेपर लेवल आपको मालूम पड़ता है, प्लाज्मा लेवल भी मालूम पड़ता है, लेकिन फोटॉन्स जब निकलने लगते हैं तब आप वो लेवल को नहीं बता सकते हैं कि वो कौन से समय में आता है। इसके लिए उसको नॉन लोकैलिटी कहा जाता है। वो नॉन लोकैलिटी की वजह से हम प्लाज्मा का और भी लेवल्स है ये समझ सकते हैं। अगर देखा जाएगा तो क्वांटम फिजिक्स जो है वो बहुत ही एक छोटी मात्रा में पहचाना जाने वाला ऐसा है, लेकिन वो मॉडर्न है, एडवांस्ड है। ओके, उसको ज्यादा महत्व नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार का भी हो जाता है, कुछ कुछ विज्ञान लोग उसको महत्व नहीं देना ही ठीक है ऐसा लगता है उनको, क्योंकि वो कहीं पर भी अंत पकड़ नहीं पाता है और वो खोज करता ही जाता है। इसकी वजह से उस फिजिक्स के बारे में ज्यादातर अभी लोग जिज्ञासा के कारण उस फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, क्वांटम फिजिक्स को। वही कारण से लेजर्स और जो माइक्रो सर्किट्स, सेमीकंडक्टर्स, ये सब कुछ जो हम देखते हैं आज जहां पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं इनको, ये चीजों का नाम हमने सुना होगा, ये क्वांटम फिजिक्स के ही द्वारा खोज करते हुए वो इस प्रकार के खोज किए जा रहे हैं, जिस प्रकार से अभी हमने बताया जो प्लाज्मा जो सिखाया जा रहा था, ठीक है, किस प्रकार से वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट होता है और उस प्रकार से वो एटम्स बन के, मॉलिक्यूल्स बन के प्लाज्मा का लेयर बनता है, लेकिन उसके आगे जाकर वो फोटोन में बदल जाता है। अब ये फोटोन के बारे में देखा जाएगा तो कोई जगह स्तर पकड़ नहीं पा रहे हैं। अब इसके लिए उनको अलग सा कोई डिवाइस बनाना पड़ेगा, इसके लिए अलग से उनको अभ्यास करना पड़ेगा। इस प्रकार से क्वांटम फिजिक्स बढ़ता ही जाता है अभ्यास में, और उसके यंत्र भी बनाते ही रहता है वो, और वो खोज लगातार जारी रखता है। ओके, तो अंत पहुंच नहीं पाता है, इसकी वजह से वो ज्यादातर विज्ञान लोग उसके ऊपर कम ध्यान देना चाहते हैं, लेकिन असलियत क्वांटम फिजिक्स जब भी कुछ निकालता है ढूंढकर तो वो बहुत ही बिना सवाल किए वो बिल्कुल सच माना जाए इस प्रकार का वो खोज करके निकालता है। अभी हम देखेंगे राकिया, इब्रानी में राकिया ये शब्द फॉर्मामेंट अंतर के लिए कहा गया है। इब्रानी के शब्द राकिया को अगर देखा जाएगा तो ये एक प्रकार से ऐसा मतलब निकालता है जो सॉलिड, सख्त, ओके, ऐसा शब्द उसका बनता है, सॉलिड सरफेस। ये ऐसा जगह है जिसको जोड़कर आगे बढ़ाया जाता है। ओके, किसी को तो जोड़कर वो आगे बढ़ाया जाता है, आगे बढ़ाया जाना इसी को, वो स्तर को, वो देखा जाएगा बढ़ाया गया जगह जो रहता है वो सख्त जगह है, सॉलिड जगह है। अभी हमने पिछले पिछले थंबनेल में देखा, हमने स्टेट्स देखा, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट और फिर प्लाज्मा स्टेट। तो ये इब्रानी का फॉर्मामेंट के लिए राकिया जो शब्द है, ये शब्द सॉलिड स्टेट के बारे में बताता है। ये सॉलिड चीज है और ये बढ़ाया जाना, ये राकिया का मतलब बनता है, बढ़ाया जाना, इसको राकिया कहा जाता है। ओके, और इंग्लिश में उसको फॉर्मामेंट लिखा है, हिंदी में उसको अंतर लिखा है। ओके, अंतर परमेश्वर ने डाला ताकि वो जो जल है वो ऊपर और नीचे दुभाग दिया जाए, और बीच में परमेश्वर ने अंतर डाला। हम इस अंतर के बारे में देख रहे हैं। ओके, अंतर को इब्रानी में राकिया बोला गया है। राकिया मतलब बढ़ाया हुआ जगह, लेकिन ये देखने में प्लाज्मा को जैसे हमने सीखा कि किस प्रकार का स्तर है वो, तो उस प्रकार से ये स्तर को देखा जाएगा तो ये सॉलिड स्तर है। ओके, ये पक्का मजबूत स्तर है। ओके, स्थिर और सख्त स्तर है। इसको यूनानी भाषा में देखा जाएगा तो स्टीरियोमा, ओके, ऐसा कहा गया है, यानी मजबूत, स्टीरियोमा यानी मजबूत,
अब अगर लैटिन भाषा में देखा जाएगा तो इसको तीन तरफदार, ऐसा हम एक सख्त चीज जिसको तीन तरफ है, ओके, तीन तरफदार है वो, ओके, मजबूत है और तीन तरफदार है, यानी उसके तीन बाजुएं हैं। लैटिन के भाषा में, लतीनी भाषा में इसको फर्मेंटम कहा गया है, फर्मामेंटम, ओके, फर्मामेंटम कहा गया है लतीनी भाषा, लैटिन भाषा में, और इसका मतलब क्या बनता है इंग्लिश में, जिसको तीन बाजू है, ओके, तीन सख्त बाजू है, मजबूत बाजू है। तो हमने प्लाज्मा के बारे में क्या देखा कि वो किस प्रकार का स्तर है, एक तरंगने वाला स्तर है, जिसके बारे में हम उसमें हमने देखा कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कम कण रहते हैं वो दूर दूर है बिखरे हुए, वो प्लाज्मा है, ओके। तो वो एक्चुअल में देखा जाएगा तो वो गैस फॉर्म में नहीं है, वो वेपर फॉर्म में भी नहीं है। उस वेपर और गैस फॉर्म में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कण एकत्रित रहते हैं, उतनी नजदीकी कण रखे हुए प्लाज्मा में नहीं रहते हैं, बहुत दूर दूर बिखरे हुए रहते हैं। अब हम देखेंगे कि राकिया में और मायम में फर्क क्या है। राकिया मतलब अंतर, फर्मामेंट, और मायम मतलब जल, वाटर्स, ओके। तो हम अब दोनों में फर्क क्या है वो देखेंगे। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम देखेंगे तो राकिया जो है वो अंतर कहा गया है, और मायम जो है जो जल कहा गया है। परमेश्वर ने वचन के अंदर क्या दिया है कि अंतर बनाया जाए ताकि जल ऊपर और नीचे दुभाग दिया जाए। दुभागने का कारण क्या है, बीच में उसके अंतर डाला जाएगा। समझ में आया? तो अंतर क्या कर रहा है, जल को अलग अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। कुछ वैज्ञानिकों ने यह खोज निकाला था कि जो जल है वो पृथ्वी के अवत भवत में, ओके, यानी उसके सराउंडिंग में भरा हुआ है, ताकि वो जो किरणें हैं, ओके, जो यूनिवर्स की किरणें हैं, ओके, जो यूनिवर्स यानी सृष्टि के जो किरणें हैं उससे वो पृथ्वी को बचा सके, ओके। अलग अलग जो अस्तित्व है पृथ्वी के बाहर, उसमें से जो किरणें निकलती है, ओके, वो किरणों से पृथ्वी को बचाया जाए, इसके लिए पृथ्वी को पूरी तरह से संभाल के रखा है, पानी के अंदर उसको संभाल के रखा है। तो राखियां प्लाज्मा के समानता में नहीं है, ओके, यानी कि जो फर्मामेंट अंतर के बारे में हम सीख रहे हैं वो प्लाज्मा के स्तर में नहीं है, वो पक्की मजबूती के साथ है, जिस प्रकार से आप उसका आकार देख सकते हैं, उसके अंदर के पार्टिकल्स मजबूती को थामे हुए हैं, उसका आकार एक क्लियरली आप शेप उसका पहचान सकते हैं, उसको राकिया कहा गया है। तो वो गैस फॉर्म में नहीं है, वो लिक्विड में नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो उसके अंदर के जो कण है वो अच्छे मजबूती से एक दूसरे के नजदीक नजदीक है। तो ये एक प्रकार का इंग्लिश में कैनोपी थियरी कहा जाता है, ओके, मंडप का तरह जो बोला जाता है उसको इस्तेमाल किया है वैज्ञानिक लोगों ने सिखाने के लिए, ओके, कि ये राकिया क्या हो सकता है, ये फर्मामेंट अंतर क्या हो सकता है, ठीक है। लेकिन परमेश्वर ने वचन के अंदर ये फर्मामेंट को, ये अंतर को नाम दिया हेवन, ओके, स्वर्ग, ये मतलब उसका अंतर, आकाश, आकाश ये नाम दिया, ओके, यानी पृथ्वी के ऊपर जो पानी को रखा, और पृथ्वी के ऊपर मतलब पृथ्वी को, पृथ्वी और उसके ऊपर, ओके, जो पानी को अलग अलग कर लिया, तो बीच में उसने जो अंतर डाला उस अंतर को उसने आकाश कहा, ओके। ये आकाश जो है इंग्लिश में लिखा गया है हेवेंस, ओके। अगर ये हेवन को देखेंगे तो आपने ये हेवन को उत्पत्ति के पहले अध्याय के पहले वचन में भी देखा कि सबसे पहला परमेश्वर ने क्या बनाया, स्वर्ग और पृथ्वी बनाया, ओके। लेकिन ये हेवन
हेवन जो परमेश्वर कह रहा है, ये हेवन को अंतर जो बनाया गया, उस अंतर को परमेश्वर आकाश ये नाम दे रहा हिंदी में और इंग्लिश में हेवेंस। ओके, तो यहाँ पे आपको एक अंदाज आ सकता है कि ये एक प्रकार का वातावरण है। ओके, और दूसरा, इस के अंदर एक जगह रखी गई है जिसमें हम सितारे देखते हैं और चांद देखते हैं, गैलेक्सी को देखते हैं। ओके, और ये हम ऐसा भी बोलते हैं जो ऐसा जगह है जहां पर परमेश्वर का सिंहासन लगा हुआ है। ओके, तो इसको अगर हम देखना चाहे तो ये बहुत अलग अलग लेवल के ऊपर है, यानी पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल। जैसे पौलुस ने इसके बारे में वर्णन किया था कि वो तीसरे स्वर्ग में पहुंचा था। ओके, तो इस तरह से ये हेवेंस को देखने के लिए वैज्ञानिक लोगों ने अलग अलग प्रकार के टेलीस्कोप बनाए हुए हैं, लेकिन वो उतने अंतर तक नहीं पहुंच पाए जिस अंतर तक पौलुस पहुंच गया था उसके नींद के अवस्था में, उसके स्वप्न के अवस्था में वो देख रहा था, वो दर्शन के अंदर से देख रहा था कि वो तीसरे स्वर्ग में पहुंच गया है। वैसे वाले तक अभी तक वैज्ञानिक लोगों ने कोई ऐसा यंत्र नहीं निकाला कि उधर क्या क्या है वो खोज निकाले। तो एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि अंतर का अलग अलग इस्तेमाल किया गया है। अंतर को जल अलग करने के लिए अंतर डाला गया, अंतर के अंदर आकाश का चीजें रखा गया, जो जो आपको चांद, सूरज, सितारे ये दिखाई देते हैं। ओके, और हम उसको इस प्रकार से भी जानते हैं, ऐसा आकाश, ऐसा जगह जहां पर पौलुस पहुंचा था उसके दर्शन में से, जिसे परमेश्वर का सिंहासन लगा हुआ उसने देखा। तो ये जगह, सब कुछ जो हम वर्णन करके अभी बोले, ये सब कुछ अंतर ही की बातें हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके बाद में फैब्रिक ऑफ स्पेस, यानी इस अंतर का क्या चीज, कैसे, क्या मटेरियल से इसके बारे में कैसे समझा जाए इस अंतर को, हम उसके बारे में देखेंगे। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जो अंतर है उसके बारे में ऐसा माना जाता है कि वहां पर कुछ भी नहीं है, खाली जगह है, लेकिन भजन संहिता के 19 अध्याय का एक वचन हमको बताता है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि आकाश के अंदर महिमा दिखाने वाला, महिमा वर्णन करने वाला चीजें है, ओके, आकाश मंडल के अंदर परमेश्वर के हस्तकला है, यानी कोई चीज है परमेश्वर ने वहां पर बनाकर रखी हुई है, सृष्टि करके रखी हुई है, तो कैसे क्या हो सकता है कि जो हम देख रहे हैं फर्मामेंट, जिसको अंतर कह रहे हैं, वो खाली कैसा हो सकता है। ओके, वो एक ऐसे ही खाली पड़ा हुआ जगह नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर के वर्णन परमेश्वर का वचन बता रहा है 19 अध्याय के 1 में, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। अब हम बहुत नजदीकी से देखेंगे कि ये फर्मामेंट, अंतर, जिसे इब्रानी में राकिया कहा गया है, कैसे क्या खाली नहीं पड़ा है और परमेश्वर के हस्तकला का वर्णन कर रहा है, महिमा का बातें वहां पर है, जो परमेश्वर के महिमा का वर्णन हो रहा है। तो हम बहुत नजदीकी से इसे देखेंगे आज। आप यहाँ पर देख रहे द फैब्रिक ऑफ स्पेस, ओके, ये जो है हम अंतर के बारे में देख रहे हैं। अंतर को अगर इंग्लिश में एक देखा जाएगा तो एक इतिहास है अंतर के बारे में, अभ्यास करके लोगों ने वहां की खोज करके रखा है, एक इतिहास है उसके बारे में, जिसे एथर हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। एथर बोलेंगे तो वो स्पेलिंग के हिसाब से इंग्लिश में देखो, AETHER, एथर, यानी हम जो हिंदी में अंतर बोल रहे हैं उसी के बारे में ये सिखाया जा रहा है। ये AETHER जो है, ये ईथर के प्रोनाउंसिएशन में किया जाता है, ए साइलेंस रखा जाता है। ओके, तो एरिस्टोटल जो एक वैज्ञानिक था, उसने यहां पर एक जांच करके निकाला था कि जो ये
ईथर जो है, या फिर आप समझिए ईथर की छोड़ दीजिए, उसने ये खोज निकाला था जो चौथे शतक के पहले की बात है। ओके, वहां पर उसने ये खोज उन्होंने ये खोज निकाला था कि जो दृश्य में दिखाई देता है, जो फिजिकल वर्ल्ड है, दृश्य में है, हम देख पाते हैं, ये जो वर्ल्ड है, ये जो जग है, ये जो संसार है, ये चार चीजों से बनाया गया है। एक है हवा और पृथ्वी, आग और जल। ओके, तो अग्नि और मिट्टी और आग और जल, ये चार प्रकार के चीजों से जो हम दृश्य में देख रहे हैं, ये सब कुछ बनाया गया है। लेकिन ये सब कुछ एकत्रित बांध के रखा गया है, उस वो क्या चीज है जिससे बांधा गया है, बहुत मुश्किल है उस माध्यम को समझना। इसके लिए उसका नाम ईथर ऐसे नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाद में जाकर वो एक प्रकार का खाली जगह है ऐसा माना गया। ओके, जिसको लैटिन शब्द में एक वैकस नाम से जाना जाता है, यानी खाली जगह, वहां कुछ भी नहीं है, सिर्फ खालीपन है, उस जगह को लैटिन शब्द में वैकस कहा गया। तो इस प्रकार से माना जाता था, विश्वास किया जाता था कि पृथ्वी जो है वो एक पक्की नींव पर है, कभी हिलने वाली नहीं है, और उसका जो केंद्र है वो जगत, वो हवा, पानी और मिट्टी और आग से बना हुआ है, और इसको संभाल के रखने वाला एक बाहर से कवच के समान खालीपन ने उसको संभाल के रखा है। एक खाली जगह है, उसके बीच में ये पृथ्वी है, ऐसा माना जाता था, मतलब ऐसा विश्वास किया जा रहा था। लेकिन एक समय आ गया कि उसके ऊपर खोज करने के बाद में अब वही वैज्ञानिक लोग अब अलग-अलग प्रकार के अवस्थाओं को समझने लगे कि नहीं, वो खाली जगह नहीं है, उसके अंदर और भी कुछ चीजें हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आखिरी में अंतर का एक इतिहास तैयार हो गया, क्योंकि वैज्ञानिक लोग अलग अलग प्रकार की जानकारियां लेकर आ रहे थे। तो गलीलियो नाम का एक इंसान था जो 1564 के वक्त में, 1642 तक, ओके, वो शतक के अंदर, वो सालों के अंदर उसने एक खोज निकाला, और उसने बोला कि जो सूरज है वो पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है, चक्कर लगाता है। लेकिन फिर उसके बाद कोपरनिकस एक ऐसा समय आ गया जिसने खोज निकाला कि पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द में घूमती है, सूरज नहीं घूमता है। तो गलीलियो ने कोपरनिकस को चैलेंज दिया कि तू खोज निकाल, ओके, सच क्या है, क्योंकि गलीलियो ने ये बोला था कि मेरे दृष्टि में सूरज पृथ्वी का चक्कर काट रहा है। लेकिन कोपरनिकोस को उसने बोला, अब तुझे चैलेंज है, तू खोज के निकाल। तो कोपरनिकस ने ये खोज के निकाला कि सूरज के इर्द गिर्द में पृथ्वी चक्कर काटती है, सूरज चक्कर नहीं काटता है। फिर बाद में एक समय आ गया कि जो 16वां शतक था, उसके बाद में एक समय आ गया कि खोज निकाला गया, जो रेने डिस्कार्टिस नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोज निकाला यूनानी शब्द जो फुल, ओके, भरपूरी जिसे कहते हैं, ओके, इस प्रकार का उन्होंने इस अंतर के बारे में खोज करके बोला कि अंतर भरपूरी से है, यानी अंतर के अंदर बहुत कुछ है, भरा हुआ है। रेने डिस्कार्टिस जो है, उन्होंने ये खोज निकाला कि अंतर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जो सख्त चीजें हैं, जो सॉलिड चीजें हैं, लेकिन हमारी आंखों से अभी भी वो अदृश्य में है। इसकी वजह से उसके बातों के ऊपर विश्वास करना एक प्रकार का मानसिक विचार है उसका, यह लोगों ने समझा था। इसके बाद जब गलीलियो मर गया, उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद एक इवांजलिस्ट आया था, जो जो इवांजलिस्ट टोरेसिली के नाम से जाना जाता है। ओके, तो वो जब आया तो उन्होंने एक खोज निकाला, और उन्होंने देखा कि बैरोमीटर, ओके, जिससे आप मर्क्यूरी को नाप सकते हो, ओके, तो एक वो
यंत्र का उन्होंने खोज कर निकाला, उन्होंने तैयार किया, खोज नहीं किया, उन्होंने तैयार किया, जो बैरोमीटर मर्क्यूरी को नापता है वो। अब यहाँ पर तो एक बहुत ही मुश्किल सा पेचीदा काम हो गया। जब उन्होंने ये खोज निकाला बैरोमीटर, तो एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपीरियंस में एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि जब मर्क्यूरी उस ट्यूब के अंदर डाला गया तब वो ठीक से था भरा हुआ, लेकिन एक समय आ गया कि वो जब ग्लास के अंदर रखा हुआ था मर्क्यूरी का वो बैरोमीटर ग्लास के अंदर रखा था, ग्लास के अंदर जब रखा तो वो मर्क्यूरी झट से नीचे इकट्ठा हो गया और ऊपर की तरफ उसके ट्यूब के अंदर पूरा खाली जगह बन गया। ये एक उनको सोचने के लिए सवाल आ गया कि ये ऐसा कैसा हो सकता है कि जब वो एक लंबे ट्यूब के अंदर भरा हुआ है ओके, लेकिन एक प्लेट के अंदर जब उसको रखा गया तो वो पूरा मर्क्यूरी ऊपर से लेके नीचे तक पूरा दब गया और ऊपर खालीपन तैयार हो गया। तो ये फर्क क्या हो गया, जब वो ट्यूब के अंदर है तो भरा हुआ है, लेकिन जब प्लेट के अंदर है तो वो खाली नीचे दब गया, ऊपर पूरा खाली बन गया। इस तरह से कुछ अंतर के बारे में देखा जाने लगा कि कुछ चीजें हैं जो इस प्रकार के खालीपन को तैयार करती है। अंतर के अंदर एक प्रकार का फैला हुआ है ये अंतर, तो फैले हुए अवस्था के अंदर उसके ऊपर जो चीजें हैं, लेकिन वो चीजों के ऊपर कुछ खालीपन अभी भी बाकी है, खाली जगह बाकी है, ये प्रकार के खोज किए गए। तो ऐसे बहुत सारे खोज निकाले, हर एक जो साइंटिस्ट है, विज्ञान है, उन्होंने खोज करते करते एक समय आ गया कि अंतर के बारे में एक निश्चित बात बताई गई। जो पास्कल नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक खोज निकाला कि ये जो खाली खाली लगने वाला जो जगह है अंतर के अंदर, उसके अंदर से बुलेट्स की तरह, जैसे एक बंदूक की गोली यहाँ जाती है, उस तरीके से उजियाले के कण उस स्पेस में से, उस खाली जगहों में से पार हो सकते हैं। ये उन्होंने खोज निकाला और वो पार होते हैं, ये आप देख पाते हैं, ये उन्होंने खोज निकाला। लेकिन जहां तक जो ये लाइट है ओके, उजियाला जो है वो कण के आधार से हम उसको देख पाते हैं, लेकिन कुछ अलग वैज्ञानिक लोगों ने खोज निकाल रखा था कि कण के हिसाब से नहीं, तरंगों के हिसाब से भी उजियाला चलता है ओके, कणों के साथ नहीं चलता है, वो तरंगों के आधार से भी चलता है। तो इसकी वजह से बुलेट की तरह अगर कण जा सकते हैं, खाली जगहों से पार हो सकते हैं और हम उसको देख सकते हैं, तो फिर तरंग के बारे में क्या, ये एक सवाल आ गया। अगर उजियाले के कण को पार लेकर जाने के लिए माध्यम है खालीपन के अंदर, तो तरंगों के अनुसार भी अगर उजियाला जाता है तो माध्यम होना चाहिए। तो उनके अनुसार, सोच के अनुसार, वो माध्यम आवाज का माध्यम हो सकता है। ऐसा उन्होंने देखा कि वो साउंड वेव्स हो सकते हैं जिसके माध्यम से उजियाला उधर से पार हो सकता है, जिसको हम ध्वनि के तरंग भी बोलते हैं, उस माध्यम से उजियाला वहां से पास हो सकता है। ये बात को फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया। अब अगर खाली जगह से उजियाला पार हो सकता है माध्यम के द्वारा, कणों के या तरंगों के माध्यम के द्वारा, तो इसका मतलब उसकी गति भी होनी चाहिए। तो पहले ही पता चल गया है कि जो उजियाला है उसकी गति असीमित नहीं है, वो सीमित गति में चलता है। उजियाला जब चलता है तो सीमित गति में पार होता रहता है, वो उसकी गति को आप नाप सकते हैं। जो आइजेक न्यूटन है, वो वैज्ञानिक ये मान रहे थे कि जो अंतर है वो सख्त नहीं है, सख्त से ज्यादा वो पानीदार है ओके,
जैसे तरल पदार्थ की तरह है, और इसके लिए उसको मतलब एक तरंग उसके ऊपर उठ सकता है। ओके, लेकिन जेम्स क्लर्क मैक्सवेल जो है, ये एक विज्ञान थे, उन्होंने बोला कि अगर उसके अंदर से उजियाले को जाना है तो जाने के लिए माध्यम की जरूरत है, या तो कण होना चाहिए या तो उसके अंदर तरंग होना चाहिए। तो उन्होंने तरंग का सहायता, जैसे आइजेक न्यूटन ने कहा कि अंतर हो सकता है एक प्रकार के तरल पदार्थ के समान है, इसके लिए उसके ऊपर तरंग आ सकते हैं, तो तरंग की वजह से आपका उजियाला वहां से आर पार जा सकता है, कणों के साथ भी जा सकता है और तरंगों के साथ भी जा सकता है। इस प्रकार से फिर माना गया कि ये जो अंतर है, यहाँ पे उजियाला जा सकता है, ये पक्का सबूत हो गया कि यहाँ से खाली जगह है, लेकिन खाली जगह के अंदर से उजियाला जा सकता है, तो कुछ तो माध्यम है उसके अंदर कि उजियाला वहां से जा पाता है, या तो कणों का माध्यम है या फिर वो तरंगों का माध्यम है। तो आगे चलकर ये खोज निकाला था कि अगर कोई उजियाले को वैक्यूम एम्प्टी जगह से भेजा जा रहा है, तो वो एक स्पीड उसका अलग रहता है, और अगर गैस के बीच में से भेजा जा रहा है तो उसका स्पीड कम हो जाता है, और पानी के स्पीड, पानी के बीच में से भेजा जा रहा है तो उसका स्पीड और कम हो जाता है। तो उसके स्पीड के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो एक फर्क पड़ता है, लेकिन उजियाला अंतर के अंदर से पास हो सकता है, ये प्रूफ हो गया मैक्सवेल के द्वारा और भी अलग से वैज्ञानिकों के द्वारा। लेकिन एक बार और आगे जाकर खोज निकाला कि जो अंतर है वो सच में माध्यम है, ओके, जिसको खींचा जा सकता है और तंग कर दिया जा सकता है, छोटा भी कर दिया जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर का जो मटेरियल्स है, ओके, वो इस प्रकार के है कि वो एक तो सबसे पहले एक दृश्य चीजें जैसे है, जिसको हम हाथ से छू सकते हैं, ऐसी जो सॉलिड चीजें हैं, उसको वजन होता है, उसका एक उसका घन रहता है, ओके, जिसको हम नाप सकते हैं, लेकिन ये अंतर का जो घन है उसको हम नाप नहीं सकते, उसका वजन हम नाप नहीं सकते, वो एकदम ही अलग वजन है उसका, जो हम दृश्य में देखते हैं चीजों को, उस तरह का उसका वजन नहीं है, ओके, उस तरह का उसका कुवत नहीं है, वो अलग कुवत रखता है, वजन रखता है, ठीक है। तो एक चीज वहां पर खोज करके निकाली गई कि अंतर एक सच्ची माध्यम है और चीज है, वो वस्तु है और सख्त वस्तु है, और उसका नाप ले सकते हैं हम, उसको वजन भी है और वो खींचा जा सकता है, तन तन लिया जा सकता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में उसको खींचने के अवस्था में लाया जा सकता है, बहुत कम मात्रा है उसके अंदर जो वो खींचा जा सकता है, ओके, जिसको गिनती नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो खींचा जा सकता है तन के, और तंग करके कम भी किया जा सकता है। अगर हम ऐसा सोचेंगे कि अगर पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द घूमती है तो फिर चक्कर लगाती है, चक्कर काटती है, तो उसके साथ अंतर भी चक्कर काटता है क्या? तो ये अंतर उस चक्कर काटने के अवस्था में दिखाई नहीं देता है। अब पिछली बार हमने देखा था कि जो तापमान है, अगर वो 0 डिग्री में भी डाला जाएगा किसी चीज के अंदर, तो भी जो तापमान पकड़ चुका था और फिर 0 डिग्री में लेकर आके रख दिया गया है, फिर भी वो चीज उस तापमान को छोड़ती नहीं है, उसमें से कुछ कुछ समय तक, कुछ समय नहीं, कुछ कुछ मेजरमेंट तक, क्वांटिटी तक, कुछ हद तक वो तापमान उसके अंदर बना रहता है, चाहे वो 0 डिग्री में बदल गया है वो वस्तु, फिर भी उसके अंदर जो तापमान चढ़ाया गया था वो कंप्लीट 0 डिग्री में नहीं आता है, फाइनली जाकर वो थोड़ा सा तापमान उसके अंदर स्टोर करके रखता है, ओके। अगर हम एटम को देखेंगे तो उसके अवत भवत में जो बीच में न्यूक्लियस रहता है, उसके इर्द गिर्द में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं,
अगर हम देखेंगे तो ये न्यूक्लियस घूमते वक्त अपने ऊर्जा को खत्म क्यों नहीं कर देता है और गिर क्यों नहीं जाता है? क्योंकि ये ऊर्जा वो है जो 0 डिग्री के अंदर से निकल रही है। तो इस तरह से जो अंतर को हम देखते हैं, वो अंतर खाली पड़ा हुआ जगह जरूर है, लेकिन उस खाली जगह के अंदर ऊर्जा भरी हुई है। वो ऊर्जा सब कुछ ठीक जगह में पकड़ के रखने की ताकत देता है। तो इस तरह से ऊर्जा आखिरी में हमारी समझ में आ जाता है कि सब कुछ को थामे रखने के लिए वो अंतर के अंदर, अंतर की जगहों में ऊर्जा पाई गई है। वो ऊर्जा सब कुछ को थाम के रखता है और हिलने नहीं देता है। तो जैसा आपने अभी एटम के बारे में देखा, जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द में घूमते रहता है, फिर भी वो अपनी एनर्जी को खत्म होते हुए नहीं देखता है। क्यों ऐसा? क्योंकि उसको 0 डिग्री में से भी एनर्जी प्राप्त हो रही होती है। वैसा ही अंतर के अंदर का एनर्जी खत्म नहीं होता है, वहाँ का रिजर्वायर बन गया है, वो स्टोर हाउस बन गया है, वो उसके अंदर एनर्जी स्टोर किए हुए सामान बनी रहती है, वो खत्म ही नहीं होती है। इस तरह से फिर सब कुछ जो है वो अपनी अपनी जगह में पकड़े हुए है, थामे हुए है। कुलसियों की पत्री 1 अध्याय का 16 और 17 वचन देखेंगे किस प्रकार से सब कुछ थाम के रखा गया है। ठीक है, कुलोसु के पत्री 1 अध्याय का 16-17 वचन। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। और एक बार पढ़ेंगे कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय का 16-17 वचन। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। हालेलुया। तो हमने क्या देखा, साइंटिस्ट वालों ने क्या खोज निकाला कि अंतर के अंदर बहुत सारा ऊर्जा पड़ा हुआ है और वो ऊर्जा खत्म नहीं हो सकता है, क्योंकि एक बार ऊर्जा के द्वारा तैयार कर लिया, बहुत तापमान के नीचे कुछ बना लिया, उसके बाद वो तापमान को हटा दिया जाएगा तो भी उस जगह को वो तापमान छोड़ता नहीं है, चाहे वो 0 डिग्री लेवल क्यों नहीं बताता होगा, फिर भी ऊर्जा वहाँ पर मौजूद है, कुछ मात्रा में वो छोड़ती नहीं है वो ऊर्जा। तो इस प्रकार का कितना सारा ऊर्जा वहाँ पर भरा पड़ा है। और वैज्ञानिक लोगों ने ये बोला है कि वो ऊर्जा का कारण है कि जो भी आकाश मंडल में जो भी चीजें हैं या पृथ्वी के ऊपर जो भी है, वो सब कुछ वो ऊर्जा के कारण एक जगह में पकड़ के रखा गया है, एक दूसरे से टकराते नहीं है, गिर नहीं जाते हैं। और परमेश्वर का वचन क्या बताता है कुलोसियों के 1 अध्याय के 16 और 17 वचन में, कि प्रभु यीशु मसीह वो कारण है जिसके द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ है और जो भी सृष्टि हुआ है वो सब कुछ को थाम के रखने वाला वो यीशु मसीह ही है। अब किसका मानेंगे आप? ये बात को समझ जाइए कि वैज्ञानिक लोग ये मान रहे हैं कुछ तो है और वो ऊर्जा है जो सब कुछ को थाम के रख रहा है, लेकिन हमको पवित्र वचन वो क्या है बता दिया है। वो क्या है? वो प्रभु यीशु मसीह है जो सब कुछ को थाम के रखता है। हालेलुया। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह कारण है कि वो सब कुछ को अपनी अपनी जगह में थाम के रखने की जिम्मेदारी उठाता है। हालेलुया। कितना महान हमारा सृष्टि करता है, जो वैज्ञानिक लोगों से खोज करके निकाला जा रहा है, उससे भी पहले पवित्र वचन के अंदर इसको लिख के रखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस सब कुछ को थाम के रखा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंसिस्ट, ये इंग्लिश में लिखा हुआ वचन है, शब्द है, और हिंदी में इसको ऐसा लिखा है,
आप 17 वचन में देख सकते हैं, वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। ओके, उसी में स्थिर रहती है, सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। यहाँ पे कंसिस्ट ये वर्ड लिखा है, यहाँ पे स्थिर रहती है ये लिखा है। ओके, तो इसको अगर हम इब्रानी के भाषा में देखेंगे तो सुनिस्ताओ, ओके, इब्रानी नहीं, सॉरी, यूनानी भाषा में देखेंगे तो सुनिस्ताओ ये उसका शब्द बनता है। ओके, और इसका मतलब बनता है सस्टेन्स, होल्ड टुगेदर। आप देख सकते हैं थंबनेल में नीचे लिखा है सस्टेन्स, होल्ड टुगेदर, इसका मतलब पकड़ के रखना या पूरी इकट्ठे थामे रखना। तो सबसे पहला जो काम थामे रखने का हमारा सृष्टिकर्ता ही उसका जिम्मेदारी उठाया है। ओके, कोई एनर्जी, कोई ऊर्जा, कोई प्रकार की खोज करके निकालने वाले लोगों को ये अभी तक प्राप्त नहीं हो रहा है कि सृष्टिकर्ता ने ये इस तरह से उसे थामे रखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह उसको थामे रखता है। अगर हम अपने आप को एक सवाल करेंगे कि ऐसी क्या चीज़ थी जो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर पकड़ के रखा था, क्या वो कीले थे? नहीं, उसके अंदर हमारे लिए जो परमेश्वर ने दिया हुआ प्रेम था उसको क्रूस के ऊपर पकड़ के रखा था, थाम के रखा था। ठीक है, तो थाम के रखना, पकड़ के रखना, ये परमेश्वर सृष्टिकर्ता उसके अनुसार होता है, कोई ऊर्जा या किसी प्रकार से नहीं है। पहले सृष्टिकर्ता को हमने समझना है और फिर सृष्टिकर्ता को ही हमने क्रेडिट देना है कि वही कर रहा है सब कुछ। ओके, तो हमारा दिमाग पहले पढ़ाई लिखाई किए हुए चीजों की तरफ से हम सब कुछ देखने की कोशिश करते हैं और सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तरीका गलत है। हमको सबसे पहला सृष्टिकर्ता को देखना है और सृष्टिकर्ता ने ही सब कुछ को थाम के रखा है, ये बात हमने कबूल करना है। तो अगर हमको कुछ भी चाहिए तो वही कुछ कर सकता है, ये हमको समझ में आना चाहिए। ओके, तो हमारा विश्वास सृष्टिकर्ता के ऊपर लेकर आना है। इब्रानियों की पत्री 1:1-2 हम देखेंगे। पूर्व योग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। हालेलुया। तो हमको समझने की ज़रूरत क्या है कि ये पार्टिकल से बना है क्या, ये वेव से बना है क्या, ये किससे बना है, हमको सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ खुद परमेश्वर का वचन हमको बता रहा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारे वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। इतना विश्वास में हमने ले लेना है।